यार गाइस अभी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारा सेंटर फ्रेस है। और गाइस अभी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने ईंट से एक चूल बना दी है और गाइस चूल के ऊपर में हमने रख दी है ऑयल को। और गाइस आज की इस वीडियो के अंदर में हम लोग इस सेंटर फ्रेस को जब ये ऑयल काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाएगी उसके बाद इस सेंटर फ्रेस को हम लोग इस ऑयल में बॉयल कर देने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये जो सेंटर फ्रेस है इसकी हालत क्या होती है। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट। यार गाइस ये जो ऑयल है इसको सबसे पहले हम लोग गर्म कर लेते हैं। और गाइस गर्म करने के लिए सबसे पहले इस चूल में हम लोग को जलाना पड़ेगा आग। तो गाइस मैं सबसे पहले इसमें आग जला देता हूँ। तो चलो फटाफट लगाते हैं इसमें आग। और गाइस अभी मैंने यहाँ पे आग लगा दी है और गाइस ये जो ऑयल है ये हो जाएगी गर्म। यार गाइस जब तक हमारा ऑयल है वो गर्म हो रही है तब तक हम लोग इस सेंटर फ्रेस को झिल्ली से बाहर निकाल लेते हैं। जी हाँ गाइस। और गाइस मैं अभी जितना भी सेंटर फ्रेस है उसको झिल्ली से बाहर निकाल देता हूँ। और गाइस एक एक करके पूरा जितना भी सेंटर फ्रेस है उसको मैं अभी बाहर निकाल देता हूँ। और गाइस मैं अभी यहाँ पर इसको रख देता हूँ। यार गाइस जितना भी सेंटर फ्रेस था उसको हमने झिल्ली से बाहर निकाल दी है। यार गाइस ये जो तेल है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है और गाइस अब बारी है सेंटर फ्रेस को डालने की। यार गाइस अभी मैं एक सेंटर फ्रेस को इसके अंदर डालता हूँ। और गाइस अभी आप लोग देखते रहना। और गाइस मैं अभी फर्स्ट टाइम और फर्स्ट सेंटर फ्रेस को इस तेल में डालने जा रहा हूँ और देखते हैं। ओ माय गॉड। और गाइस अभी मैंने सेंटर फ्रेस को तेल के अंदर में डाल दिए और गाइस अभी आप लोग देख पा रहे होंगे तेल अभी तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है और देखते हैं सेंटर फ्रेस का रिएक्शन क्या आता है। अभी मैंने एक ही सेंटर फ्रेस को डाली है और गाइस अभी आप लोग देख पा रहे होंगे जो सेंटर फ्रेस है वो गाइस ये देखो गाइस जो सेंटर फ्रेस है उसकी हालत क्या हो चुकी है। ओ माई गॉड हो तेरी गाइस अभी आप लोग देख पा रहे होंगे जो सेंटर फ्रेस है वो क्या हो रही है। तो यार गाइस अभी तक तो हमने एक ही सेंटर फ्रेस को डाली है और गाइस अभी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ दाना दाना गाइस अभी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ चीज़ काला काला अभी दिखाई दे रही है तेल के अंदर में। और गाइस अभी मैं सारा जितना भी सेंटर फ्रेस है उसको एक साथ डालने वाला हूँ। तो चलो फटाफट एक साथ सारे सेंटर फ्रेस को डालते हैं तेल में। तो यार गाइस मैं अभी सभी सेंटर फ्रेस को एक एक करके डालने वाला हूँ और गाइस मैं एक एक करके जितना भी सेंटर फ्रेस है उसको डाल देता हूँ इस ऑयल में। और गाइस जो सेंटर फ्रेस है वो चिंगम पूरा मेरे हाथ में चिपक जा रही है। और गाइस अभी मैंने जितना भी सेंटर फ्रेस है उसको एक साथ डाल दी है ऑयल के अंदर। और गाइस देखते हैं इसका जो रिएक्शन है क्या आती है। और गाइस अभी जो सेंटर फ्रेस है वो बॉयल हो रही है। और गाइस अभी आप लोग देख पा रहे होंगे जो सेंटर फ्रेस है अच्छी तरीके से बॉयल हो रही है ये देखो गाइस। ओ माय गॉड। और गाइस यहाँ पे जो इसका खुशबू है पूरा सेंटर फ्रेस का जो खुशबू है यहाँ पे फैल चुकी है। और गाइस अभी तक मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सेंटर फ्रेस का जो खुशबू है वो आ रही है। जी हाँ गाइस जो हमने फर्स्ट शुरू में ऑयल डाली थी उसका जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा अलग थी। और गाइस अभी जो सेंटर फ्रेस इसमें घुलने के बाद जो ऑयल का कलर है वो पूरा बदल चुकी है। और गाइस जो सेंटर फ्रेस पक चुकी है उसको मैं अभी निकाल देता हूँ। यार गाइस अभी आप लोग देख पा रहे होंगे जो सेंटर फ्रेस है वो पकने के बाद किस तरीके से दिखाई दे रही है। ओ तेरी। और गाइस अभी आप लोग देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे इसको डालता हूँ। और गाइस ये अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई इसको ठंडा होने देते हैं उसके बाद
इसको टच करके देखने वाले हैं। और गाइस अभी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने फर्स्ट में जो कि सेंटर फ्रेस को निकाली थी ये पूरा चिपक चुकी है। और गाइस अभी मैं इसका जो टेस्ट है वो लेने जा रहा हूँ। गाइस इसका जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा कड़वा हो चुकी है। जी हाँ गाइस, ओ माय गॉड। यार गाइस अभी हमने सेंटर फ्रेस चिंगम को हॉट ऑयल में बॉयल करके देखी है और गाइस बॉयल करने के बाद जो सेंटर फ्रेस है वो तो तेल में जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा काला काला बनती है और गाइस उसका जो स्वाद है काफ़ी ज़्यादा कड़वा भी हो जाती है। जी हाँ गाइस, और गाइस जो सेंटर फ्रेस है उसको ऑयल में उबालने के बाद हम लोग उसको खा नहीं सकते हैं। जी हाँ गाइस, क्योंकि उसका जो स्वाद है काफ़ी ज़्यादा कड़वापन हो जाती है। और गाइस ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और गाइस सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।